नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग लाइफ सिंपल। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है फाइनेंशियल ईयर जो है वो एक्सटेंड हो चुका है? आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्रेस रिलीज देखे होंगे, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देखा होगा। क्या है सच ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपके पास लेकर आ रहे हैं ऑथेंटिक और वैलिड इन्फॉर्मेशन कि क्या सच में फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड हो चुका है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या सच में फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड हुआ है या नहीं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वैलिड इन्फॉर्मेशन जो दी है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पर। तो ये नोटिफिकेशन कहता है नो एक्सटेंशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 30 मार्च को 2020 को एक नोटिफिकेशन इस PIB ने पब्लिश किया है। और क्या कहा है इसमें, देयर इज अ फेक न्यूज सर्कुलेटिंग इन सम section of media that the financial year has been extended, a notification issued by the government of India on 30th March 2020 with respect to some other amendments done in the Indian Stamp Act is being misquoted. There is no extension of the financial year. यहाँ पर government ने clear कर दिया है कि there is no extension of the financial year। और ये ही नहीं तो CIBIC ने भी वही प्रेस रिलीज को पब्लिश करके बताया है ट्वीट पे कि नो एक्सटेंशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि दोस्तों, आपके पास जो सोशल मीडिया से उड़ती हुई खबरें आई है कि फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड हो चुका है, तो इस पर भरोसा ना करें। दिस इज द वैलिड इन्फॉर्मेशन कि फाइनेंशियल ईयर एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो आप कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन को फॉलो ना करें। आपको वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें हमारे जीएसटी हीरो के चैनल को और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो बनिए रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।